पीओके में पाकिस्तान ढा रहा है जुल्म और दुनिया के सामने ये सच्चाई उजागर हो गई है। सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई। पीओके में बिगड़ते मानवाधिकार के हालात पर वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में उठाया। ये बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई, जिसमें बताया गया कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार आतंकियों के जरिए आम लोगों पर हमले करवा रही है, खासकर छात्रों पर, क्योंकि वो अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। वहीं पीओके के इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि वहां कई किताबों और नक्शों पर बैन लगा दिया गया है और लोगों को उनके इतिहास के बारे में पढ़ने की इजाजत नहीं है। अमेरिका में भारतीय मूल की निशा देसाई बिस्वाल को वहां के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन का डिप्टी सीईओ नॉमिनेट किया गया, ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। निशा अभी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन को साल 2019 में बनाया गया था। ये निजी संस्थानों और प्रोजेक्ट को लोन देने समेत वित्त से जुड़े कई काम करता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपने यूक्रेन दौरे में कई ऐलान किए। उन्होंने यूक्रेन को करीब 4,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर समेत दूसरे सेक्टर के विकास में होगा। इसके अलावा किशिदा ने नाटो ट्रस्ट फंड से यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए देने की भी बात कही। अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां कई घरों में पानी भर गया, वहीं कारें भी पानी में डूबी नजर आईं। चीन की कर्ज देने की शातिर चाल से बांग्लादेश अलर्ट हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये बात एक इंटरव्यू में कही। हसीना के अनुसार उनकी सरकार चीन के साथ साझेदारी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका के चीन से लिए कर्ज का भी जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश विदेशी सहायता के लिए किसी देश विशेष पर निर्भर नहीं है और वो ज्यादातर कर्ज वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही लेता है।